माँ तारा के द्वारा भगवान सदाशिव जो कि आदि परम ब्रह्म है उनको स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें उनकी माँ की उपाधि प्राप्त हुई है। यह सुनकर आप भी माँ तारा का रहस्य जानना चाहते होंगे। दोस्तों, पूरा रहस्य साधना माता का मंत्र विधि और महत्व जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखेगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। बहुत से लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, उसके बाद कमेंट में शंकाएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए पहले वीडियो को ध्यान से शांति के साथ देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिएगा। तो चलिए आरम्भ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में आप पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाने की भूल मत कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य एकदम निशुल्क बन जाइएगा। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करे, क्योंकि हम इसी प्रकार की तंत्र मंत्र ज्ञान ज्योतिष और धर्म कर्म से जुड़ी जानकारियां अपने दर्शकों के लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधनाओं की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें दूसरे नंबर की महाविद्या है माँ तारा महाविद्या। इन्हें द्वितीय विद्या के रूप में भी माना जाता है, जो माँ सती के 10 रूपों में से दूसरा रूप थी। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। माँ का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति व जीवन में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। दोस्तों, इनका नाम तारा इसीलिए पड़ा क्योंकि भव सागर से सभी को तारने वाली है, मोक्ष प्रदान। माँ काली है वह माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्धचंद्रमा है और केश खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ वह आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही है। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माँ के चार हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में खड़ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी भी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। अब जानेंगे माँ तारा का रहस्य। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जुड़ी हुई है जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि की प्राप्ति मिली थी। वैसे भी दोस्तों, माँ जगत जननी आदि शक्ति ही त्रिदेवों और त्रिदेवियों की जननी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को उत्पन्न करने वाली यही आदि पराशक्ति है। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। अब बहुत से भक्त हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के रूप में कि माँ काली और तारा में क्या अंतर है, तो उनके ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दोस्तों, दोनों के रूप में बहुत सी समानताएं होने के कारण भक्तगण माँ तारा को माँ काली समझ बैठते हैं, इसलिए आज हम आपको दोनों के रूप में भिन्नता बताएंगे। माँ काली का रंग काला है जबकि माँ तारा का रंग नीला है। माँ काली नग्न अवस्था में है जबकि माँ तारा बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ काली की जीभ निकली हुई है जबकि माँ तारा का मुख हल्का खुला हुआ है। माँ काली के सिर पर कुछ नहीं है जबकि माँ तारा सिर पर अर्धचंद्र के साथ मुकुट धारण किए हुए हैं। माँ काली के गले में केवल राक्षस खोपड़ियों की माला है जबकि माँ तारा के गले में सर्प भी है। माँ काली के हाथ में राक्षस की खोपड़ी, खड़ग व कटोरा है जबकि माँ तारा के हाथ में खड़ग, तलवार, कैंची व कमल का फूल है। दोस्तों, अब जानेंगे माँ तारा की साधना विधि। माँ तारा की मुख्य साधना मुख्यतया तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है।
इनकी साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। सामान्य भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। वैसे भी हमने आपको बता रखा है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी आप साधनाएं करेंगे वो रात्रि के समय ही करेंगे। सबसे प्रशस्त जो समय है वो है 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का, जिसमें ये साधनाएं बहुत ही अच्छे से हो सकती हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी तारा महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा करने का विधान है। हालांकि हमने आपको बताया है कि गुप्त नवरात्रि में ऐसा मत कीजिए कि एक दिन एक देवी की साधना और दूसरे दिन दूसरी देवी की साधना। ये कोई साधारण देवियां नहीं है या नवदुर्गा नहीं है जिनकी मात्र पूजा मात्र से वो प्रसन्न हो जाए। ये बहुत ही महाशक्ति है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति इन्हें मानिए। इसलिए कोई भी एक महाविद्या अपनी इच्छा के अनुसार पकड़िए जिनकी आप साधना करना चाहते हैं और एक ही महाविद्या को पूरे 9 दिन तक उन्हीं की साधना मात्र कीजिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे माँ तारा की साधना के लाभ। माँ तारा का यह रूप अवश्य ही सबको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल इसके विपरीत, जैसा हमने आपको माँ काली के विषय में बताया था। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती है या तारती है, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारणहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला। वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं है तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों, माँ तारा से संबंधित रुद्रावतार तारकेश्वर महादेव हैं और यही इनके भैरव भी माने जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इनकी साधना में गणपति के बाद इनका पूजन आपको करना चाहिए। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती के नयन आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील सरस्वती, नयन तारा व उग्र तारा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे, उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थी। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यताएं हैं। मुख्यतया तिब्बती बौद्धों लोगों के बीच माँ तारा अत्यधिक प्रसिद्ध है। वहाँ इन्हें संरक्षण प्रदान करने वाली वे अपने भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में चित्रित किया गया है। आप सभी ने भी YouTube पर देखे होंगे कि ग्रीन तारा मंत्र, रेड तारा मंत्र, ब्लू तारा मंत्र, इस प्रकार के जो तारा माता के स्वरूप हैं, ये बौद्ध धर्म के लोग भी इनके पूजन करते हैं। दोस्तों, माँ तारा की साधना का मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। दोबारा देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम उच्चारण भी कर देते हैं। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, हालांकि मंत्र बहुत ही छोटा है जबकि माँ काली का मंत्र बहुत बड़ा था, इसका स्पष्ट उच्चारण करें और अच्छे से सुन लीजिएगा वीडियो को पीछे से करके। जैसे उच्चारण बताया है वैसे ही आपको उच्चारण करना है। उच्चारण में किसी प्रकार की आपको साधनाओं में जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता उच्चारण करें। आप रुद्राक्ष की माला से माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इनके जाप और पूजा साधना में आपको नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। आसन नीला लेंगे, वस्त्र नीला पहनेंगे, वस्त्र नीला ही बिछाएंगे और माँ को जो भी वस्तु अर्पित करेंगे नीली ही करें। हो सके तो माँ को नीले रंग के अपराजिता के पुष्प आप अर्पित करें और नीले जामुन यानी कि काले जो हल्के डार्क ब्लू कलर के होते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं। बाकी जिस प्रकार से हमने माँ महाकाली के साधना में पूजा की विधि बताई थी, ये जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, बाकी सभी सामग्रियों से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इनकी साधना इतनी तीव्र या प्रचंड नहीं होती जैसे कि माँ महाकाली की होती है। इनकी साधना कोई भी आराम से कर सकता है। फिर भी हम आपको निर्देश देते हैं हर साधना में कि आप किसी गुरु योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त की हुई यदि नहीं है तो इस प्रकार के तंत्र साधनाएं ना करें, क्योंकि तंत्र साधनाएं बहुत ही उग्र प्रचंड होती है। इन्हें साधारण ऐसे ही समझने की भूल ना करें कि बस नॉर्मल सा मंत्र है,
कोई भी माला लेके जपने बैठ जाओ, नहीं अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई तो इस तंत्र साधना में आपको परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, इसके उल्टे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए ध्यान रहे, यदि आपके कोई योग्य गुरु हैं उनसे आज्ञा लेकर के इस प्रकार की साधनाएं आपको करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत ही ऐसे दर्शक हैं जो हमसे जानने की आशा रखते हैं कि प्लीज साधनाओं के बारे में बताइए, वो कई बार आग्रह कर चुके हैं, तो बस उन्हीं की बात का लालच रखने के लिए हमने आपको यहाँ पर माता की साधना और रहस्य के बारे में बताया है। हम किसी भी प्रकार के आपको इनकी उग्र या तीव्र साधना करने का निर्देश नहीं देते कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठे। हमने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी सरल और सौम्य साधनाएं बताई हैं जिन्हें करने का निर्देश दिया है। आप यदि गृहस्थ हैं तो उनमें से भी कोई साधना कर सकते हैं, किंतु यदि आप गृहस्थ हैं तो इस प्रकार की प्रचंड और तंत्र साधनाएं घर में रहते हुए नहीं आपको करनी चाहिए। और जो लोग वाकई में इन साधनाओं को लेकर गंभीर हैं और आगे इस तंत्र क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, वही सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा है। कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल पूजा करने तक सीमित है तो कुछ आध्यात्मिक के क्षेत्र में और भी आगे तक जाना चाहते हैं। तो जो वास्तव में इस प्रकार की साधनाएं करना चाहते हैं अपने घर में रहते हुए भी, वो हमें पर्सनली कमेंट करके बता दीजिएगा चैनल में, हम उनके लिए पूरी विधि करके दिखा देंगे किसी दूसरे नवरात्रि में कि किस प्रकार से साधना करनी होती है, वे किस प्रकार से आपको सारा कार्य करना है। तो इसलिए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साधना संबंधी यदि और भी कोई प्रश्न होते हैं आपके तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस या साधनाओं के बारे में पर्सनली जानने के लिए आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है शाक्त परंपरा 444, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। क्योंकि इस प्रकार के साधनाओं की संपूर्ण सटीक जानकारी हम यहाँ आपको चैनल पर नहीं दे सकते, आप सभी समझने का प्रयत्न कीजिए, जिद मत किया कीजिए, क्योंकि ये साधनाएं कोई नॉर्मल साधनाएं नहीं होती, हम बार बार बता रहे हैं। इसलिए इन्हें गुप्त रूप से ही गुप्त लोगों को ही बताना चाहिए और गुप्त तरीके से ही किया जाता है, तभी गुप्त नवरात्रि में इन साधनाओं को करने का महत्व होता है। इसलिए इस प्रकार के कमेंट्स और मैसेजेस आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कर लीजिएगा इस प्रकार से साधनाएं। अभी हम आपको इन सीरीज में और भी महाविद्याओं की साधना और उनके रहस्य के बारे में बताएंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, एकदम से निःशुल्क है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। यदि आप दूसरों को भी साधनाओं और रहस्यों से अवगत कराना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने दर्शकों के लिए लाते रहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, वह पूजा की क्या विधि है, कलश स्थापना इत्यादि कैसे करें, तो सभी का हमने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं जिनमें ना सिर्फ बताया है बल्कि करके भी दिखाया है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। बाकी 10 महाविद्याओं की साधना भी बता रखी है, आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमसे, अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।